हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीएम के बारे में। तो अगर आप आईबीएम में वर्क करना स्टार्ट किए हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी सैलरी हाइक कितनी होगी, और ये वाली जो वीडियो है अगर आप एज आ फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो तो आप किसी भी पोस्ट के लिए कंसीडर कर सकते हो, चाहे आपने जीबीएस से किया हो या जीटीएस से किया हो, ये सारी सिचुएशन के लिए अप्लाई होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आफ्टर वन ईयर जो मैं बता रहा हूँ वो आपके ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि ये तीन ईयर्स की मैं बात करने वाला हूँ। तो जो फर्स्ट ईयर रहता है हाइक्स का वो फ्रेशर्स के लिए अलग रहता है, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं उनके लिए अलग रहता है। उसके बाद आप इक्वल मान सकते हो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता है। तो इसके बारे में बात करूँगा, अगर आप जीटीएस से हो जीबीएस से हो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगभग सेम ही सिनेरियो आपका हाइक्स में रहने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, होता क्या है कि आईबीएम जो हाइक के मामले में है वो इंडस्ट्री के हिसाब से बिल्कुल भी उतनी अच्छी नहीं है। मैं आई वुड से कि मतलब आपको इतनी ज़्यादा हाइक्स नहीं मिलेंगी कंपेयर टू अदर कंपनीज जो आपको मिल जाती हैं, आईबीएम में उतनी हाइक्स आपको नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ी सी कम हाइक्स आपको आईबीएम में देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं कि आईबीएम में हुआ क्या है, तो देखो मैं आपको बताता हूं, 2012, 13, 14, 15 इन फोर ईयर्स में आईबीएम की हाइक ज़ीरो थी। ठीक है, कोविड ईयर में भी आईबीएम ने 0% हाइक दी थी, और बीच में भी जो ईयर्स आए जिन काफ़ी सारे ईयर्स आए जिसमें 1% या 2% हाइक मिली है काफ़ी सारे ईयर्स में। तो ये बात सच्चाई है कि हाइक्स के मामले में काफ़ी कम हो जाता है, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनने 3 साल पहले ज्वाइन किया था तो उनकी जब निकले वो आईबीएम छोड़कर तो उनकी सैलरी मुश्किल से 1,000 रुपये बढ़ी हुई थी। तो यस, दिस इज़ अ ट्रू केस, और ये आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन मैं एक सिनेरियो लेके चलूँगा कि वर्स्ट केस में आपकी सैलरी आफ्टर 3 ईयर्स कितनी हो सकती है, और अगर बेस्ट केस चल रहा है तो आपकी कितनी हो सकती है, बाकी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बता सकते हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 30K है, जो आईबीएम जनरली आजकल दे रही है एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर को। इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ, जो 30K के अराउंड आपकी मिलती है, तो वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर आपने ज्वाइन किया, आपको 30K सैलरी मिली। अब जो फर्स्ट ईयर होता है, तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, आपका एक बैंड का प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक ऊपर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाएगा, एक बैंड आपका प्रमोशन हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में जो आपकी हाइक होने वाली है वो आपकी 10% मिनिमम और 20% मैक्स तक जा सकती है। ठीक है, ये 25 तक भी जा सकती है, लेकिन तब भी मैंने एक जेनरिक आंकड़ा रखने के लिए बताया है कि 10-20% की लगभग आपकी इसमें हाइक्स होती हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आपका एक बैंड ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें 10-20% में आपके इसके बीच में कुछ भी रेंज कर सकता है। उस पर एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वो ये होता है कि उस ईयर में कंपनी का रेवेन्यू कितना था, उस हिसाब से भी आपकी हाइक्स डिपेंड करती हैं। अगर कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ तो हो सकता है आपको ज़्यादा हाइक्स मिल जाए, अगर नहीं हुआ उतना प्रॉफिट लॉस में जा रही है, या फिर अगर प्रॉफिट्स थोड़े कम हैं तो आपकी हाइक्स कम हो सकती हैं। तो ये कंपनी के रेवेन्यू पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो देखो, फर्स्ट ईयर फर्स्ट हाइक के बाद बात करूँ तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो अगर आपने 30,000 से चालू किया था तो वो 33K, अगर 10% हाइक मिलता है तो 33K हो जाएगा, और अगर 20% मिलता है तो 36K हो जाएगा। मतलब पहला ईयर गया मिनिमम 33K, मैक्सिमम 36K। ये मैंने एक आपको रेंज बता दी फर्स्ट ईयर में आफ्टर वन प्रमोशन। ओके, सेकंड हाइक की बात करूँ तो देखो, दूसरे ईयर में ये पॉसिबल है आपको 0% हाइक मिले। तो मतलब जब आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया तो वर्स्ट सिनेरियो क्या है, आपकी मान लो 33 आपकी हो चुकी है सैलरी, तो आपकी 33 की 33 ही रहे सेकेंड ईयर में। और बेस्ट सिनेरियो क्या है कि आपको 10% हाइक मिल जाए, 10% से ज़्यादा हाइक मिलना इम्पॉसिबल है आईबीएम में। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, इम्पॉसिबल ही है, बहुत ही रेयर केस होगा जहाँ पे आपको 10% से ऊपर हाइक मिल रही होगी आईबीएम में। जब आपको रेटिंग मिलती है, अगर आपकी 4+ रेटिंग है आउट ऑफ 5 स्टार, तब जाके कहीं आपको 10% हाइक मिलती है। जनरली बात करूँ तो 2%, 3%, 4%, 5%, ठीक है, 10% ही मैं हाइएस्ट बता रहा हूँ। तो जो मिनिमम है वो है 0%, हो सकता है कोई भी हाइक ना मिले, और मैक्सिमम है 10%। तो इस हिसाब के जो आपकी सैलरी है, जो 33,000 रुपये आपकी सैलरी हुई थी आफ्टर वन ईयर 10% की हाइक के बाद, तो वो आपकी सैलरी 0 से 3,000 रुपये बढ़ सकती है सेकंड ईयर में। मतलब हो सकता है कि 33,000 ही रहे या बढ़ के 36,000 हो जाए, ये मैक्सिमम वाला सिनेरियो है। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम वाला लूँ तो 36,000 हो जाए, या अगर आपको 20% हाइक मिली थी तो आपकी 36,000 सैलरी हो रही थी, तो आपको या तो 36,000 ही रहे या 39,000 हो जाए। ठीक है, तो 3,000 रुपये तक आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है सेकंड ईयर में। और थर्ड ईयर की बात करूँ तो थर्ड हाइक में भी ये पॉसिबल है कि आपको नो हाइक मिले, मतलब कोई सैलरी नहीं बढ़े, जितने हैं आप उतने पर ही रहो, या फिर आपकी सैलरी 3 से 4,000 बढ़ सकती है। तो मतलब अगर आपकी 36,000 हो गई है सैलरी, क्योंकि 33 + 3, तो आपकी
आप समझ लो अराउंड अगर 4K बढ़ गई तो आपकी 40,000 सैलरी हो जाएगी। तो आपने स्टार्ट किया था 30, अब मैं आपको कंक्लूड करके बताता हूँ, अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हुआ है तो मैं बताता हूँ। फर्स्ट ईयर हाइक 10-20%, 10 मिनिमम है, 20 मैक्सिमम है। सेकेंड ईयर हाइक 0-10%, 0 मिनिमम है, 10 मैक्सिमम है। थर्ड ईयर हाइक 0-10, 0 मिनिमम है एंड 10 मैक्सिमम है। इसके बीच में कुछ भी लाया कर सकता है। तो ये बेसिकली सिंपल सा फंडा है। एग्जैक्ट सैलरी तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन कुछ फिगर्स आपके इतने ही रहेंगे। अगर मैं हाईएस्ट बात करूं तो आप 30,000 से चालू करके 43,000 तक जा सकते हो 3 ईयर्स में, और लोएस्ट की बात करूं तो आप 30,000 से 33,000 पे जा सकते हो, क्योंकि केवल आपको 10% हाइक मिले फर्स्ट ईयर पे, फिर आपको नो हाइक्स मिले। तो 33,000 से 42,000 के बीच में आपकी सैलरी कहीं ना कहीं रेंज करेगी आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ कंप्लीशन। तो ये मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो काफ़ी कम है, आई नो, लेकिन जो है वो ऐसा ही है। तो हाइक के मामले में ऐसा है, लेकिन हाइक सी हर चीज़ नहीं होती। लर्निंग्स के मामले में IBM इज़ ग्रेट। एक चिल्ड रिलैक्स एनवायरनमेंट के मामले में IBM इज़ ग्रेट। ऑब्वियसली द ब्रांड वैल्यू इज़ ग्रेट। तो ये चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। और अगर आपको किसी और कंपनी का ऐसा वीडियो चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में बता देना। थैंक यू।